की तरह बरानी को लग रहा था कि कुछ ऐसे गाइडलाइंस देना पड़ेगा जिस गाइडलाइंस को फॉलो करके राजा अपने जुडिशियरी और आर्मी को प्रस्तुत करेगा। हाउ ए वेलफेयर स्टेट कैन बी एस्टेब्लिश्ड, एक वेलफेयर स्टेट यानी जिस स्टेट का मकसद है अपने राज्यवासी का वेलफेयर, भलाई करना, तो एक वेलफेयर स्टेट को कैसे बनाना है और कैसे अपने प्रजाओं को एक अच्छा शासन उपहार देना है, उस बारे में सब कुछ बरानी बहुत ही साफ साफ अपने फिलोसॉफी में कह दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन, तो अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ज़ियाउद्दीन बरानी सजेस्ट कर रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि प्रशासन को कैसे राजा बनाएंगे ताकि उस प्रशासन का काम होगा समाज से बुराइयों को दूर रखना और अच्छाइयों को कायम करना। द किंग इज सजेस्टेड टू अपॉइंट गुड पर्सन्स एज कमांडर्स, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग कमांडिंग पोजीशन में रहेगा यानी जिन लोगों का काम होगा एडमिनिस्ट्रेशन में नेतृत्व देना, लीडरशिप देना, मिनिस्टर लोग, उनके सेक्रेटरी लोग, तो इनका चरित्र कैसा होगा और इनको कैसे काम करवाना है, इस बारे में ज़ियाउद्दीन बरानी बोल रहे हैं कि राजा हमेशा ईमानदार, साफ दिल और अच्छे चरित्र के लोगों को ही एडमिनिस्ट्रेशन में कमांडर की पोस्ट में अपॉइंट करेंगे। व्हाट केयर द किंग शुड एक्सरसाइज बरानी सेज इन एडवाइस नंबर 19.11, एडवाइस 19 अबाउट द इंटीग्रिटी एंड गुड कैरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड हेल्पर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो एडवाइस नंबर 19 में मतलब अपना जो किताब है उनका फिरोज शाह तुगलक के वक्त में लिखा गया था, उसमें एडवाइस नंबर 19 में बरानी बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स और हेल्पर्स को कैसा होना चाहिए, शुड फुल्ली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कुरानिक वर्स। तो यहाँ पर बरानी कुरान से एक वर्स हमें सुना रहे हैं और बोल रहे हैं कि राजाओं का जो एडमिनिस्ट्रेटर्स रहेगा उनका मकसद भी यही होना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं वो कुरानिक वर्स। ओबे अल्लाह यानि ईश्वर का जो भी डिक्टेट्स है, जो भी ईश्वर हमसे कहता है उनको ओबे कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, उनको मान के चलिए। एंड हिज प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब अल्लाह का मैसेंजर, जिनका काम है अल्लाह का बात, उनके बाणी पूरे दुनिया में प्रचार करना। तो ओबे अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट, अल्लाह ताला और उनके प्रॉफिट की बातों को मानिए। एंड दोज अमंगस्ट यू हु आर इन ए पोजीशन ऑफ कमांड एंड रूल, खास करके कि आप जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में और राज्य में कमांडिंग पोजीशन में है, जिनके सर के ऊपर पूरा दायित्व है राज्य को शासन करने का, उन लोगों को अल्लाह की बात मानकर चलना पड़ेगा। अलोंग विद दिस होली प्रॉफिट सेइंग्स शुड आल्सो बी वेल रिमेम्बर्ड, तो हज़रत मोहम्मद नबी और उनके जैसे दूसरे नबियों ने जो भी बात कहे है उनको हमेशा जहन में रखना है। अलोंग विद दिस द होली प्रॉफिट सेइंग्स शुड बी रिमेम्बर्ड, एवरी वन ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ही और शी इज अकाउंटेबल टू गॉड अबाउट हीज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए राजा को, उनके सभासदों को, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स को, आर्मी के लोगों को, इंटेलिजेंस के लोगों को सबसे यही कहा जा रहा है कि हमेशा हर काम करने से पहले अल्लाह और उनके प्रॉफिट की बातों को याद कर लो, क्योंकि तुम्हारे हर काम के लिए तुम्हें अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। आप लोग लाख बुराई कर लो
कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आप लोग राजा है, आपका अथॉरिटी दूसरों से ज़्यादा है। लेकिन एक जगह है, अल्लाह का दरबार है, जिसमें सबको अपने काम के लिए जवाबदेही करना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी बुराई का साथ मत दो। This account will have to be rendered by everyone on the day of judgment. तो जजमेंट के दिन, जिस दिन अल्लाह सबका विचार करेगा, उस दिन हर किसी को अपने काम के लिए जवाब देना पड़ेगा। The king's responsibility is the highest one. तो हमेशा देखिए, राजा को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है क्योंकि वही सभी को परिचालन कर रहा है। तो अगर राजा अच्छा ना हो तो वो अपना राज्य को अच्छी तरीके से शासन नहीं कर पाएगा। He will be accountable before God for all the events and actions taking place in his empire. तो उनके राज्य में, उनके साम्राज्य में जो कुछ भी हो रहा है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ राजा जिम्मेदार है। As it is possible for the king to know about all the events and happenings in the empire, it is necessary that he should have his administrators, helpers and supporters for running different sections of the government. तो क्योंकि राजा को हर बात का ख्याल रखना पड़ेगा, उनके राज्य में कहाँ क्या हो रहा है उस पर नज़रदारी करनी होगी। तो जाहिर है उनको सभी जगह प्रशासक, उनको मदद करने वाले हेल्पर्स और सपोर्टर्स को पोस्टिंग देना पड़ेगा। उनके मदद के बगैर राजा अपने राज्य को सही तरीके से प्रशासन नहीं कर पाएगा। Due to these importance of their functions, the king should be very careful in selecting and appointing his officers of the state. तो कहा जाता है, आप लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे, तो देखिएगा कौटिल्य ने जो कुछ भी कहा था, बरानी के कहावत में भी उसका काफ़ी मेल है। तो कौटिल्य क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी, जुडिशियरी, ये सब राजा की आँख, कान और नाक की तरह होते हैं। तो जैसे नाक से आप लोग सूंघ के बता सकते हैं कि क्या है आपके सामने, कान से आवाज़ आती है और पहचान होती है कि क्या है आसपास, और आँख से सब कुछ खुल्लम खुल्ला दिखता है। तो राजा के लिए भी उनका एडमिनिस्ट्रेटर्स यानि उनके मिनिस्टर्स, उनके आर्मी के लोग यानि फौज, जुडिशियरी यानि अदालत में जो लोग बैठे हैं इंसाफ देने के लिए, और जो लोग इंटेलिजेंस में हैं यानि जो हमेशा नज़र रख रहा है राज्य पर, दूसरे राज्य पर, वो आँख, कान, नाक जैसे होते हैं। तो इसलिए जब भी राजा एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी में, जुडिशियरी में, इंटेलिजेंस में लोग चुनेंगे, अपॉइंट करेंगे, उनको बहुत ही सोच और समझ कर बहुत ही काबिल लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो जाए कि कोई गलत इंसान को उन्होंने ये सब इम्पॉर्टेंट पोस्ट पर रख लिया, तो क्या होगा? राज्य सही तरीके से एडमिनिस्टर्ड नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक मैंने जो भी आप लोगों को बताया वो आपको समझ में आया है। तो ये है हमारा ज़ियाउद्दीन बरानी के पॉलिटिकल फिलोसॉफी का पहला हिस्सा। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, और अगले लेक्चर्स में मैं इस नोट को आगे बढ़ाऊंगी। आपको कुछ और जानकारी देना है, कौन सी व्यवस्था में कैसी लोग चाहिए, इस बारे में भी ज़ियाउद्दीन बरानी ने साफ साफ अपना फिलोसॉफी में कहा है। तो वो सब मैं अगले लेक्चर में धीरे धीरे आपको बताऊंगी। फ़िलहाल जहाँ तक मैंने आज पढ़ाया उसको नोट और मेरे लेक्चर के ज़रिए समझने की कोशिश कीजिए। और बार बार बोल रहे हैं, अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो व्हाट्सएप ग्रुप में उसको रखिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। ओके डियर चिल्ड्रेन, थैंक यू।